तो जनाब मैं आके पहुंच चुका हूं दुनिया की पांचवी लार्जेस्ट मस्जिद, लार्जेस्ट मॉस्क जिसका नाम है फैसल मॉस्क, जो कि इस्लामाबाद में। खुशकिस्मती से मुझे यहां पे एंट्री मिल गई है। और तो इस्लामाबाद वालों स्वागत नहीं करोगे हमारा। जो मेन सिटी है इंडिया जहाँ पे मेरे घर से, वो है मेन सिटी जम्मू। लेकिन अगर मैं सर्च करता हूँ नियरेस्ट सिटी कौन सी आती है तो इस्लामाबाद आता है। लेकिन बॉर्डर की वजह से हम लोग तो नहीं ना आ सकते। बॉर्डर नहीं होती तो हमें कोई भी शॉपिंग करनी होती, कुछ भी चीज़ भी खरीदनी होती तो हम लोग यहाँ आके खरीद। हेलो एवरीवन, आपका दोस्त गफ्फार मुसाफिर एक बार फिर से आपके चैनल में स्वागत करते हैं। मैं हूँ अभी पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में। आपको जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था मैंने आपको कि इस्लामाबाद के आसपास मेरे भाई रहते हैं 20-25 किलोमीटर के रास्ते पे, तो उनके साथ में पहुँचा हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद सिटी में। तो इस्लामाबाद को आज हम शाम को एक्सप्लोर करते हैं, नाइट लाइफ ऑफ इस्लामाबाद आज हम देखेंगे, खाने खाएंगे, मज़े करेंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस्लामाबाद वालों स्वागत नहीं करोगे हमारा। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आप कैसे? ठीक ठीक। तो ये बच्चे भी आ गए हमारे साथ, हेलो बोलो एक बार। अस्सलाम वालेकुम बोलो। तो आज हमें क्या क्या, तभी भाई कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? इंशाल्लाह अभी जाएंगे फैसल मस्जिद जाएंगे। ओके। और दामने को जाएंगे। ओके। और लेक जाएंगे। हम खाने भी खाएंगे, घूमेंगे भी, मज़े करेंगे। इतने एक्साइटेड हैं कि घर जाके उन्हें बिल्कुल भी रेस्ट है जो नहीं करी, और मेरे लिए भाई ने काम छोड़ दिया। तो चलिए अभी सबसे पहले हम यहाँ पे पहुँचे। ये क्या है जी, ये क्या हो रहा है? अच्छा फैन चल रहा है। सही हो गया जी। आप क्या बना रहे हैं? बहुत खुश हुए हैं आपकी, जिस दिन आप इंटर हुए हैं ना पाकिस्तान में, वो आपने वीडियो बनाई थी इंडिया पाकिस्तान डांस कर करके। वो वाली वीडियो भी दिखाई है आपने उस दिन, गुजरांवाले के शहर की भी बनाई है ना वीडियो। हाँ भाई ने अपनी फेसबुक पे ना आपकी चढ़ाई थी वीडियो, शेयर की थी वीडियो। आपका नाम क्या है? अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, बड़ा जबरदस्त। जैसे हमारी एक गुजरांवाला फैमिली ना, वैसे ये मेरी इधर फैमिली। बहुत अच्छा जी, हमारे भाई का आप ध्यान रखेंगे। हमारे अजीज हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे बड़े पापा के बेटे हैं, तो यहाँ पे अकेले रहते हैं, बाकी चारों भाई जो गुजरांवाला रहते हैं। जी जी। तो ये आपके सपोर्ट है, ठीक है? जी जी ठीक। आपका नाम क्या है? गुलाम मुस्तफा। गुलाम मुस्तफा, सारे देख लीजिए, अगर मेरे भाई को कुछ भी दिक्कत आई तो मैं सीधा गुलाम मुस्तफा साहब के पास आऊँगा, आपके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। ठीक हो गया। ठीक है ठीक है। मजाक कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं। बाकी मेरी ऑडियंस से कोई नहीं है मेरा स्वागत करने के लिए, लेकिन ये जो मेरी जान पहचान के नहीं, ये भाई के जान पहचान के, ये सब स्वागत कर रहे हैं। तो आप जलेबी करवाइए, जलेबी मेरी फेवरेट है, थोड़ा सा टेस्ट करवाइए ना हमें। ठंडी है, गर्म निकालो। नहीं नहीं ठीक है, चलेगी यही चलेगी, टेस्ट कर लें यहाँ से। अरे बिस्मिल्लाह, चौधरी सुना। ठीक है, मीठा मेरा फेवरेट है, हमेशा के लिए मेरा मीठा फेवरेट रहा है, लेकिन अभी कंट्रोल पे हूँ थोड़ा सा, क्योंकि एक्सरसाइज वगैरह होती नहीं है, तो ज़्यादा मीठा खाने से मैं मीठा हो जाऊँगा तो मुश्किल हो जाएगी। ये सोनी सोनी बनाना, ये आपको इंडिया में देखेंगे लोग, ठीक है? आप इतनी अच्छी बनाओ कि आपके इंडिया वाले पसंद करके उधर ही रख लें। मैं भी आ रहा थोड़ी देर है, इंडिया है थोड़ी देर तक, इंडिया है जी। ये भाई ने हमें ये ऑफर किया जी, ये आके हमें जूस वगैरह दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू, आई लव यू। सही हो गया जी। आपको पहाड़ी आती है जी? इधर मैंने सुना इस्लामाबाद में ज्यादा लोग पहाड़ी में बात करते हैं। ऐसा ही है, उर्दू भी बोलते हैं, उर्दू और पहाड़ी, उर्दू और पंजाबी नहीं बोलते हैं। पंजाबी बहुत काम, जब हम लोग इकट्ठे होते हैं ना पंजाबी से। तो आप पंजाबी हो? आप। उसके बाद ये हैं जी हमारे मामू, भाई के मामू हैं मेरे, बहुत सारे रिलेशन हैं इनके साथ, लेकिन भाई के मामू हैं तो हम भी मामू ही बुलाएंगे इनको। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल। मैं आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ, हमारी बहुत सारी फैमिली है, बहुत सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, और जो मेरा घर है ना वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ मेंढर में है, तहसील मेंढर में है।
वहाँ से मैं अगर नियरेस्ट सिटी सर्च करता हूँ कि मेरे सबसे नज़दीक में सिटी कौन सी आती है, तो वो इस्लामाबाद आती है, 180 किलोमीटर है। और हमारी जो मेन सिटी है इंडिया जहाँ पे मेरे घर से, वो है मेन सिटी जम्मू। लेकिन अगर मैं सर्च करता हूँ नियरेस्ट सिटी कौन सी आती है, तो इस्लामाबाद आता है। लेकिन बॉर्डर की वजह से हम लोग तो नहीं ना आ सकते, बॉर्डर नहीं होती तो हमें कोई भी शॉपिंग करनी होती, कुछ भी चीज़ भी ख़रीदनी होती, तो हम लोग यहाँ आके खरीदते। हमने ये मामू से सब्ज़ियाँ खरीदनी थी, ये इनकी शॉप इनसे हमने ये संतरे वगैरह, जैसे कि मुझे अभी इन्होंने ऑफर किया, ये सारा सामान है जो हमने सब आपको बताते चले जाएं। इस्लामाबाद में ये सबसे सस्ती दुकान है। अच्छा, पूरी टाउन में। ओके जी। यहाँ पे सब कुछ 30 से लेके 50 तक, 50 रुपए किलो तक मिलता है। अच्छा भाई साहब, रात को जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज नाइट लाइफ को एक्सप्लोर करने वाला हूँ मैं, तो आज हम निकल चुके हैं, हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन है दामन एको। हम जाके बताता हूँ, वहाँ से बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद का नज़ारा दिखता है। लेकिन अभी हम फ़िलहाल गए हुए थे दामन एको से, एक ऊपर टॉप पे होटल आता है, वहाँ से भी इस्लामाबाद का बहुत अच्छा नज़ारा दिखता है। मोनाल रेस्टोरेंट पे गए थे, वहाँ से भी हमने इस्लामाबाद को देखा, बहुत अच्छा व्यू पॉइंट था वहाँ पे भी। अभी हम दामन एको पे जाते हैं और इसके बारे में भी आपको बताते हैं कि यहाँ से कैसा दिखता है और ये दामन एको है क्या एक्चुअल में। अच्छा भाई, अभी हम दामन एको व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, जहाँ से हम पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा कर सकते हैं। आपको गाड़ी वगैरह बाहर पार्क करनी पड़ेगी। टिकी पार्किंग के कितने पैसे दिए थे? 50 इसको। हाँ। ओके ओके जी। अरे वाह भाई, ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, मज़ा आ गया। अरे वाह, अरे भाई साहब, ये पूरा का पूरा इस्लामाबाद है। अगर आपको पूरा इस्लामाबाद देखना है तो दामन एको पे ज़रूर आके पूरा इस्लामाबाद का नज़ारा कीजिए। सामने आप देख सकते हैं फैसल मॉस्क, ज़बरदस्त मॉस्क। अब शाम को जाके इसका भी नज़ारा करवाएंगे आपको, लेकिन फ़िलहाल आप ये पूरा का पूरा इस्लामाबाद देख लीजिए यहाँ से। दामन एको में अभी आया था तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ आपको कि ये एक टॉप हिल गार्डन है जो कि इस्लामाबाद के नॉर्थ साइड में आता है। ये मार्गला हिल्स का सेंटर है। दामन एको दो वर्ड से बना होता है, दामन एको जिसका मतलब होता है फुट हिल्स। ये दामन एको है जो ये 2400 फीट अबो है सी लेवल से, और 500 फीट है जो इस्लामाबाद मेन ग्राउंड नीचे से ऊपर है जो 500 फीट है। और ये जो एरिया है ये पॉपुलर है यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स के लिए और टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जो इंसान भी यहाँ पे आता है यहाँ से पूरे इस्लामाबाद का नज़ारा ले सकता है। यहाँ से फैसल मॉस्क और बहुत सारी चीज़ें, पूरा ऑलमोस्ट तकरीबन पूरा इस्लामाबाद आप लोग देख सकते हो। सो फुली रिकमेंडेड, शाम को आइए तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो भाई साहब, अभी आपका दोस्त फैसल मॉस्क में पहुंच चुका है, जो कि नेशनल मॉस्क है पाकिस्तान की, जो कि कैपिटल सिटी इस्लामाबाद में ही है। और बताया जाता है कि ये दुनिया की 5वीं लार्जेस्ट मॉस्क है, और अगर हम मिडल ईस्ट को साइड कर देते हैं तो तब ये दुनिया की सबसे बड़ी मॉस्क कहलाई जाती है। साउथ एशिया की तो है ही है, ये है फुट हिल्स में मार्गला हिल्स के। इसका नाम है जो फैसल मॉस्क इसलिए पड़ा, बादशाह थे एक सऊदी अरब के किंग थे जिनका नाम फैसल था, उनके नाम से इस मस्जिद को जो नाम है फैसल मॉस्क दिया गया है। इसकी कंस्ट्रक्शन है जो 1976 में शुरू हुई थी, और ये एस्टेब्लिश जो हुई थी 1986 में जाकर। और इसकी कंस्ट्रक्शन जब शुरू हुई थी सऊदी अरब के जो किंग थे फैसल, उन्होंने 28 मिलियन डॉलर्स इसके लिए ग्रांट किए थे, उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है जो शुरू हुई थी। इसके साइड पे अगर आप टावर्स देखते हैं, और चार टावर्स आपको दिखेंगे बड़े मज़े के ही दिखेंगे, और उनकी हाइट है जो लगभग 260 फीट है, जो कि बनती है 79 मीटर। इसका जो स्टाइल है वो आपको देखेंगे मॉडर्न इस्लामिक स्टाइल में आपको ये दिखेगी। और इसके ऊपर टोटल जो खर्चा आया बनाने में वो आया था 120 मिलियन यूएस डॉलर्स।
और इस जगह का जो टोटल एरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है 130,000 meters square। अच्छा भाई साहब, मैं हम लोग बहुत लकी हैं कि हमें मौका मिल गया अंदर जाके मस्जिद को अच्छे तरीके से देखने का। हमने सोचा नहीं था, लेकिन अंकल को रिक्वेस्ट करी तो अंदर देख लिया। अंदर हमने जो जो चीज़ें देखी, एक तो हमें बड़े बड़े कुरान पाक के जो सपारे होते हैं वो बड़े बड़े, उनका वेट भी काफ़ी सारा बता रहे थे वो जी। वेट कितना कह रहे थे? तकरीबन 40 किलो के करीब करीब उसका वेट है। हाँ, 40 किलो का वेट बता रहे थे। और पूरी बाउंड्री साइड में 30 पारे पूरे लगे हुए हैं। फिर उसके बाद जो अंदर का वो एरिया बता रहे थे, वो 10 कनाल बता रहे थे जी। 10 कनाल बता रहे थे। और उसके नीचे कोई भी पिलर, जो छत था ना उसके नीचे कोई भी पिलर नहीं था। 10 कनाल का जो उसका छत बना हुआ था उसके नीचे कोई भी पिलर नहीं था। और इस मस्जिद की जो शुरुआत है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, 1976 में करी थी, बुनियाद रखी गई थी जब इसका काम शुरू हुआ था। और इस मस्जिद का नाम ही जैसे फैसल मास्क है, फैसल जो के शाह फैसल जो कि सऊदी अरब के किंग थे, उनके नाम से ही इस मस्जिद को नाम दिया गया। उन्होंने $20 मिलियन दिए थे और इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन उसके बाद है जो उनका ऐसे बताया जाता है कि कत्ल किया गया था उनके भतीजे के द्वारा, और उसके बाद इस मस्जिद का जो काम है जो रुक गया था। लेकिन जनरल ज़ियाउल हक ने इस मस्जिद को कंप्लीट करवाया था और 1986 में ये एस्टेब्लिश हो गई थी। हम बहुत लकी हैं, हमें बहुत मज़ा आया अंदर जाके। ये सारा कमाल है तबीब भाई का, इन्होंने अंकल को सेट किया तो हम अंदर चले गए और अंदर घूम के आए। बहुत अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा। किस्मत थी कि आप अंदर जाके अंदर का व्यू देखा सारा कुछ बहुत। वरना ऐसे कोई भी नहीं जाता है अंदर और कोई भी नहीं देख पाता है। सो वी आर वेरी लकी, हमने अंदर जाके सब कुछ देख लिया। थैंक यू। तो भाई साहब, रोड व्यू भी आप देख लीजिए, रोड्स बहुत ज़बरदस्त हैं, सफाई है बहुत अच्छे तरीके से, और रात भर लोग घूमते हैं यहाँ पर इस्लामाबाद में बिना किसी डर खतरे के। बहुत अच्छा लगता है। सुबह से ट्रैवल कर रहा हूँ और थक गया हूँ बहुत ज़्यादा। रात के बज रहे हैं 10, दिन को खाना खाया था और अभी तभी भाई मुझे लेके आए हैं बाऊजी डिलीशियस फूड। बाऊजी का रेस्टोरेंट है ये। तभी हम खाना खाते हैं और मुझे लग रहा है कि आज का टूर है यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थक गए हैं, रेस्ट वगैरह करेंगे, बाकी कल देखते हैं। सही है? ओके हो गया जी, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैफा हाल हबीबी? ठीक है भाई। आप कौन है? राजस्थान से? अब राजस्थान से यार मजाक कर रहे हैं यार। राजस्थान घूम के आए होंगे भाई हैं? जी। तो आपने राजस्थानी बना दिया उनको? वो बोलता रहता है कि मैं इंडिया से, राजस्थान से। इंडिया पाकिस्तान में क्या फर्क है, कैसे लोग हैं सारे। तो कोई बात, शुक्रिया। हाँ ठीक है। यह है जी VIP फैमिली हॉल। जबरदस्त हॉल है भाई इसमें तो। तभी भाई इसमें तो पूरा ये जबरदस्त तरीके से बैठने का है। हम इस पे बैठ के खाएंगे, जूते उतार के बैठ जाएं और वॉशरूम से होके आता हूँ। क्या जबरदस्त जगह है भाई बैठने की। इसमें गोदी बना के बैठ जाओ।